सबसे पहले तो मैं आज ऑर्गस चैनल का जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ उसमें उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसानों के विषय को चुना और कृषि की बात आज पूरे देश में हो रही है, किसान की बात भी पूरे देश में हो रही है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कृषि के अंदर जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए और जिन पिलरों के ऊपर काम प्रारंभ किया जिसमें लागत में कमी हो, अच्छा सीड मिले, मार्केट से लिंक हो, तो इसको सबको लेकर प्रोसेसिंग यूनिट हो और उस दृष्टि से किसान की इनकम कैसे बढ़े और इसको लेकर जिन 7 पिलरों पर काम प्रारंभ किया और उनके ऊपर काम करते हुए लगातार किसानों की इनकम देश भर में बढ़ रही है। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ICAR ने 75,000 किसानों के डॉक्यूमेंटेशन को तैयार किया जिसको पब्लिक डोमेन पे रखा है और उन्होंने कुछ किसानों ने अपनी इनकम को बताया 1.5-2 गुना, तो किसी ने बताया 4 गुना, तो कई किसानों ने कहा हमारी इनकम 8 से 10 गुना भी बढ़ी है। तो इसके पीछे कारण है कि प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसी है कि किसान का FPO बनाना, 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रावधान के तहत उनको फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है, तो ऐसे ही नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लागत में कमी आए, गो आधारित खेती हो और इस तरह से मिलेट्स ईयर बनाया जा रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर पूरे विश्व में जो गया जिसकी वजह से छोटे किसानों का जो यहाँ के, क्योंकि मिलेट्स का उत्पादन सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में होता है और एक्सपोर्ट की भी जिस तरह से बढ़ा है मिलेट्स, उसकी वजह से हमारे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है जिसका नाम सीरिया ने दिया है। तो ये प्रधानमंत्री जी के प्रयास है कि आने वाले समय के अंदर किसान आत्मनिर्भर बने, तो उसके लिए सरकार के विभिन्न प्रयासों के माध्यम से एक बजट को बढ़ाया सबसे पहले, तो कि जब तक कृषि का बजट ही नहीं बढ़ेगा तब तक किसान की इनकम कैसे बढ़ सकती है। तो 2013 से पहले कृषि का बजट ही 22-23 हज़ार करोड़ रुपये होता था, लेकिन अब कृषि का बजट है वो 1,25,000 करोड़ से अधिक है, तो लगभग 5-6.5 गुना वृद्धि की गई है बजट की। तो इसके पीछे उद्देश्य ये है कि किसानों की इनकम बढ़े, किसान आत्मनिर्भर हो और लगातार किसानों की प्रोग्रेस निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तत्व हो रही है। सर ऐसा है कि एग्रीकल्चर वैसे देखा जाए तो पूरा स्टेट का विषय होता है और जो स्टेट ज़्यादा इनिशिएटिव लेकर काम करता है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, अगर ज़्यादा वो सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं को और उनकी पॉलिसी को लेकर काम करता है तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और जो स्टेट इसके अंदर धीमे गति से काम करता है तो उस स्टेट के अंदर वहाँ पर काम, जो पॉलिसी है वो नीचे तक नहीं पहुँचती, तो उसकी वजह से किसानों को होता है। तो ये अलग अलग स्टेट के अंदर, वो उसके खुद के स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर चाहे उड़ीसा हो और चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। उड़ीसा में फार्मर की इनकम को कैसे देखते हैं? उड़ीसा देखा, हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश के किसानों की इनकम बढ़े और इसके लिए राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए यहाँ पर भी कि केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं उन स्कीमों के माध्यम से, जो 7 पिलर है डबल इनकम से आगे जाने का लक्ष्य है, तो उनके ऊपर सरकार, केंद्र सरकार की ओर से तो प्रत्येक सपोर्ट है वो सभी स्टेटों को दिया जाता है, लेकिन उड़ीसा की सरकार है तो उसके अंदर भी मैं कहना चाहूँगा कि वो किसानों की समस्या है तो उनका समाधान कैसे करें कि वो देश के अन्य जो प्रदेश है उनके बराबर हमारे किसानों को भी उसके अंदर लाभ मिले। तो मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि प्रत्येक किसान है उसके राज्य सरकारों के सहयोग से और राज्य सरकार के माध्यम से ये किसानों का कल्याण और किसान की इनकम बढ़े, इस पर सरकार लगातार प्रयास करें, काम करें। MSP इंक्रीज करने के लिए राज्य सरकार मांग कर रही है, उसके बारे में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज लागत से 1.5 गुने के ऊपर MSP दी जा रही है, MSP पर खरीदा जा रहा है, जबकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर MSP पर खरीद करने की उन्होंने रिकमेंडेशन रखी थी 2007 के अंदर जब पेश की थी, तो उस समय UPA की सरकार थी और UPA की सरकार के अंदर उस समय उस रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया उनकी जो मंत्रिमंडल की कमेटी थी कि लागत से 1.5 गुना के ऊपर किसान को MSP पर खरीद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 202 रिकमेंडेशन थी जिसमें से उसको खारिज, 217 में से उसको खारिज कर दिया, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो UPA की सरकार ने खरीद को खारिज कर दिया था उसको लागू किया और आज जो निर्धारित फसलें हैं उन फसलों को लागत से 1.5 गुना के ऊपर लगातार खरीदी जा रही है और जहाँ जहाँ उनको हर वर्ष उसकी रेट भी कि लागत के अनुसार, क्योंकि लागत भी जब बढ़ती है तो हर वर्ष बढ़ती है तो किसानों की भी उसमें लागत में भी उसकी इजाफा किया जाता है ताकि किसान को लागत से 1.5 गुने से कम पर उसकी MSP पर खरीद ना हो। तो भारत सरकार की ओर से निश्चित रूप से खरीद हो रही है, राज्य सरकार किसी भी क्रॉप की उनमें से अगर डिमांड करेगी चाहे वो कोई भी स्टेट होगा तो भारत सरकार निश्चित रूप से खरीद करने के लिए तैयार है।
सर इंश्योरेंस को लेकर फार्मर बहुत समस्या यहाँ पे फेस कर रहे हैं। इंश्योरेंस ऐसा है कि भारत सरकार की जो स्कीम है फसल बीमा योजना है, उस योजना के तहत अगर किस सारी जिस अगर स्टेट में जिस स्टेट में लागू है उन स्टेटों के अंदर सरकार की जो गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार जो होता है पैसा, उसके अनुसार फसल बीमा किसानों को अवेलेबल होता है। और उसके बाद में अगर किसान का कोई ज़्यादा आपदा की वजह से नुकसान होता है तो भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक स्टेट को SDRF फंड के माध्यम से प्रति वर्ष मार्च अप्रैल के अंदर फंड उसको रिलीज कर दिया जाता है, और जब किसान का नुकसान होता है तो उस समय उनको पैसा दे दिया जाता है। लेकिन अगर वो पैसा कम पड़ जाता है तो NDRF फंड के माध्यम से भी अगर वो डिमांड करते हैं तो भारत सरकार NDRF फंड के माध्यम से भी किसानों को नुकसान की अगर आपदा आई है तो उस समय भी देती है। तो भारत सरकार की मैंने कहा ना कि जो हमारे किसानों के लिए इनकम बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें चाहे वो अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसमें भी है, और उत्पादन की दृष्टि से भी बढ़ाने के लिए रिसर्च का भी सहयोग करना है तो वो भी है, और मार्केट लिंकिंग के लिए जो FPO बनाए जा रहे हैं तो किसान की अधिक इनकम मिले, इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लगातार प्रयास जारी है।